हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटीज के एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के सीट मैट्रिक्स को लेकर। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कौन कौन से आईआईटीज के कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीटें इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बेशक ये सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है, तो पूरा हिसाब किताब हम सीट मैट्रिक्स को लेकर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटीज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इस बार कौन कौन से आईआईटीज में सीटें बढ़ी है या घटी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर में इस बार केवल 4 आईआईटीज में सीटें घटी या बढ़ी है। कौन कौन से आईआईटीज में? आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी और आईआईटी तिरुपति, इन 4 आईआईटीज में ही सीटें इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। बाकी सभी आईआईटीज में सीटें जो 2022 में थी, 2022 में थी, वही सेम इस बार है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर में केमिस्ट्री में इस बार 10 सीटें बढ़ चुकी है, 10 सीटें बढ़ चुकी है। पहले 25 थी और इस बार 10 सीटें बढ़कर ये 35 हो चुकी है। इसी के बाद बात करें आईआईटी जोधपुर में, तो आईआईटी जोधपुर में इस बार 13 सीटें बढ़ चुकी है, 13 सीट बढ़ चुकी है। कौन सी? एमएससी एमटेक की सीटें बढ़ चुकी है, ठीक है। एमएससी में कोई चेंज नहीं हुआ है, एमएससी एमटेक इस बार नया प्रोग्राम जुड़ा है केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें 13 सीटें इंक्रीज हो चुकी है। इसके साथ ही बात करें आईआईटी मंडी में, तो आईआईटी मंडी में इस बार, आईआईटी मंडी में ध्यान से सुने, सभी डिपार्टमेंट में सीटें कम हो चुकी है। पहले 50 सीट थी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में, सब में अलग अलग 50-50 सीटें थी, लेकिन सब में घटकर 30-30 सीटें कर दी है, ठीक है। तो आईआईटी मंडी में केमिस्ट्री में भी इस बार 19 सीटें घट चुकी है, और पहले 50 थी और अभी 31 सीटें बची है ओनली, ठीक है। और तिरुपति में इस बार 5 सीटें बढ़ चुकी है, पहले 15 थी अभी 20 सीटें हो चुकी है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आईआईटीज के सीट मैट्रिक्स में अगर ओवरऑल देखें तो इस बार टोटल 9 सीटें इंक्रीज हुई है। कितनी सीटें इंक्रीज हुई है? 9 सीटें इंक्रीज हुई है। बस ये आईआईटी मंडी वालों ने सारे डिपार्टमेंट में 20-20 सीटें कम कर दी है। और इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में स्टूडेंट इस बार आईआईटी गांधीनगर में भी 2 सीटें इंक्रीज हुई है, और 2 सीटें इंक्रीज होकर 40 हो गई है, पहले 38 थी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, आईआईटी जोधपुर में कोई चेंज नहीं हुआ है मैथमेटिक्स में। इसके बाद बात करें आईआईटी मंडी में, तो आईआईटी मंडी में भी 20 सीटें कम हो चुकी है, मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स में 20 सीटें कम हो चुकी है। इसके साथ ही बात करें आईआईटी तिरुपति में, तो आईआईटी तिरुपति में भी एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स प्रोग्राम में 5 सीटें कम हो चुकी है मैथ्स वाले बच्चों के लिए। किन के लिए? मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और स्टैटिक्स वाले बच्चों के लिए 5 सीटें बढ़ चुकी है। आपको पता है ये चेंज कैसे हुआ? क्योंकि पहले 20 सीट थी आईआईटी तिरुपति में मैथ्स वाले बच्चों के लिए, लेकिन मैथ्स वाले बच्चों की 5 सीटें निकालकर किसके लिए रिजर्व कर दी? मैथमेटिकल स्टैटिक्स वाले, एमएस वाले बच्चों के लिए रिजर्व कर दी। तो ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बार आईआईटीज में 23 सीटें मैथ्स डिपार्टमेंट में कम हो चुकी है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कितनी सीटें कम हो चुकी है? 23 सीटें कम हो चुकी है। इसके साथ बात करें फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स डिपार्टमेंट में आईआईटी गांधीनगर में भी 2 सीट इंक्रीज हुई है, अभी 40 सीट हो गई है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 38 थी, ठीक है। इसके बाद बात करें आईआईटी मंडी में, तो आईआईटी मंडी में भी 10 सीटें घट चुकी है। कितनी सीटें घट चुकी है? 10, पहले 40 थी अब कितनी हो चुकी है? 30 सीटें हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ ही बात करें तिरुपति में, तो तिरुपति में इस बार क्या हुआ है? 5 सीटें बढ़ चुकी है फिजिक्स के लिए। देखो आईआईटी तिरुपति में केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए 5-5 सीटें इंक्रीज हुई है, लेकिन मैथ्स वाले बच्चों के लिए 5 सीटें क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, ठीक है। और टोटल अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम निकालें फिजिक्स डिपार्टमेंट का, तो इस बार 3 सीटें कम हुई है फिजिक्स में। क्या हुई है? 3 सीटें कम हुई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आईआईटी मंडी ने किया है, जिसने काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें कम कर दी है, 30-30 का बेस बना दिया। पहले फिजिक्स और अप्लाइड मैथ्स में 50-50 का था, और ये जो आपका फिजिक्स है उसमें 40 का बेस था, बढ़ाने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया? घटा दिया है। किस वजह से सीटें डिक्रीज हुई है आईआईटी मंडी में, इसका भी डिटेल से सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे वहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं, या फिर बच्चे प्रोग्राम को छोड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसका डिटेल से सेशन स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि इस सेशन के बाद बहुत सारे लोग वीडियो बना लेंगे, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में तरह तरह के सवाल चलना स्टार्ट हो गए हैं, सर मैथ्स में इतनी सीटें कम हो चुकी है, फिजिक्स में सीटें कम हो चुकी है, तो क्या सर कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा कट ऑफ में? जी स्टूडेंट, कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं होगा मैथ्स में। आईआईटी मंडी की जो ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा उसमें चेंज हो जाएगा, बाकी आईआईटीज में इतना कोई मेजर चेंज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आईजीएस में जाएंगे, आईआईएससी बेंगलोर में जा रहे हैं, क्योंकि इस बार प्रॉपर टाइम पर आईआईएससी का भी रिजल्ट आ रहा है, आपको पता है इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, डेट आ गया उनका, और आईजीएस का भी लिस्ट वगैरह निकल रहा है, तो आईजीएस और आईआईएससी का रिजल्ट सही टाइम पर आ जाएगा।
आईआईटी का फोर्थ राउंड होने से पहले पहले इनके रिजल्ट आ जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे उधर शिफ्ट हो जाएंगे, कोई मेजर चेंज नहीं मिलेगा। ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, तो बेफिक्र रहिए स्टूडेंट्स, जब तक पीके सर है निश्चिंत रहिए आप। धन्यवाद।